विकास की बात करते हैं तो मोती और प्रकोष्ठों की बैठक के जरिए क्या संदेश, क्या एजेंडा है? आप बहुत वर्ष पत्रकार हैं और मैं पूरे सम्मान के साथ आपको बताना चाहूँगा कि यह पार्टी आज से नहीं, पहले से पिछड़े वर्ग मोर्चे का गठन करती है और जितने मोर्चे पार्टी के गठित होते हैं तो उनको एक्टिवेट करना, उनको सक्रिय करना, उनको प्रेरित करना पार्टी की रीति नीति और केंद्र और राज्य में हमारी सरकारें हैं उनके कार्यक्रमों, लोक कल्याण की बातों को उनके माध्यम से नीचे पहुंचाना, सरकारी मशीनरी ये काम सब ठीक से संपादित कर रही है कि नहीं कर रही उसको वाच करना, इस सब के लिए पिछड़ा वर्ग मोर्चे की बैठक और अन्य मोर्चों की बैठक हो रही है। ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि हमारी पार्टी में उत्तर प्रदेश में इतना सशक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा है। क्यों पिछड़ा वर्ग आप साथ आएगा? ये पिछड़ा वर्ग हमारे साथ है और मजबूती से रहेगा, इसलिए कि हमारी दोनों सरकारों के द्वारा जो काम हो रहे हैं गरीबों के हित में उसका लाभ पिछड़े वर्गों के गरीब दुखी परेशान आदमियों को सीधे मिल रहा है। उन्हें लग रहा है कि इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर और लोगों ने पिछड़ों के नाम पर केवल राजनीति की थी, उनको भुलावा दिया था। मोदी और योगी के राज में ही पिछड़ों की भलाई हो रही है। आदा जी बादल, देखिए 2019 की तैयारी पहले भी शुरू हो चुकी थी और यह प्रदेश कार्य समिति जो पिछड़ा वर्ग मोर्चे की है यह ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है और इस कार्य समिति के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि हम 2019 के लिए तैयारी का एक तरह से ऐलान हो चुका है।